क्वेश्चन नंबर 8 फॉरगिव रीजंस एंड एक्सप्लेन यूटिलिटी ऑफ सेम कमोडिटी फॉर टू पर्संस इज डिफरेंट। होता ही है ना कि एक चीज तो एक ही है पर हर लोगों के लिए उसकी अलग अलग यूटिलिटी होती है बिकॉज उनकी पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स प्रेफरेंस और हैबिट्स अलग अलग होते हैं, इसलिए यूटिलिटी इज अफेक्टेड बाय पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स प्रेफरेंस हैबिट्स एक्सेट्रा। ठीक है ना, तो हर एक आदमी की अपनी पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स प्रेफरेंस हैबिट्स एक्सेट्रा अलग अलग होती है, सो इससे यूटिलिटी इन्फ्लुएंस होती है। यूटिलिटी चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। एक चीज के लिए एक प्रोडक्ट वही है लेकिन किसी के लिए वो बहुत यूटिलिटी रखेगा, किसी के लिए कुछ यूटिलिटी नहीं रखेगा। इट इज साइकोलॉजिकल फीलिंग एंड सब्जेक्ट टू चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सिगरेट हैज यूटिलिटी टू अ स्मोकर। अब ऑल्दो सिगरेट यूजफुल नहीं है, इंजूरियस टू हेल्थ है, पर स्मोकर के लिए तो वो बहुत ही यूटिलिटी रखती है। बट इट हैज नो यूटिलिटी टू अ नॉन स्मोकर। नॉन स्मोकर को फ्री का भी पैकेट दे दोगे तो वो करेगा क्या, उसका कुछ नहीं, तो उसके लिए उसकी कोई यूटिलिटी नहीं। और एग्जांपल सुनो, एक लैपटॉप एक ऑफिस में काम करने वाले व्यक्ति के लिए काफी यूटिलिटी रखता है, लेकिन वो लैपटॉप यदि किसान को ले जाके दे दोगे करेगा क्या, उसका उसके लिए उसकी यूटिलिटी जीरो है। सो प्रोडक्ट इज द सेम बट यूटिलिटी ऑफ द सेम कमोडिटी इज डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बिकॉज ऑफ पर्सनल लाइक्स डिसलाइक प्रेफरेंस हैबिट्स एक्सेट्रा एंड इट इज अ साइकोलॉजिकल फीलिंग एंड इट इज सब्जेक्ट टू चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन।